कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जी हाँ, आज समय भारत के लॉकडाउन के हीरो में हम जो कहानी दिखा रहे हैं वो कहानी है दिल्ली के छतरपुर में रहने वाली संतोष गोयल की। संतोष गोयल वो महिला हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान दिन रात मेहनत कर 60,000 से ज़्यादा मास्क बनाए और लोगों में बांटे। संतोष गोयल वैसे तो समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं और वे बीजेपी के प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री का काम देखती हैं। संतोष गोयल बताती हैं कि इस महामारी में उन्होंने सेवा कार्य की शुरुआत 22 मार्च से की और 7 अप्रैल तक जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का काम किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि समाज में कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मास्क बनाने का फैसला लिया और 8 अप्रैल से 1 जून तक 60,000 मास्क बनाने का काम किया। उन्होंने ये मास्क ऐसे लोगों में वितरित किए जो पैसे के अभाव से मास्क नहीं खरीद पा रहे थे। उन्होंने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर मास्क वितरण का काम किया जिसमें उनके द्वारा पुराने दिल्ली में 7,000 से ज़्यादा मास्क बांटे गए। देश धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति में आ रहा है, ऐसी स्थिति में हर किसी को मास्क लगाना ज़रूरी हो गया है। अब इस दौर में संतोष गोयल जैसी समाज सेविकाएं लोगों के लिए सहारा बन रही हैं। यदि आपके आसपास भी कोई संतोष गोयल जैसी कोरोना वॉरियर है तो उसकी कहानी हमें जरूर भेजें। और समय भारत की रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।